आगरा का रुख करेंगे। पुलिस पर खनन माफिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। खनन माफिया जंगल का सहारा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से चंबल बालू से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मौके से फरार हुए खनन माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, उन्हें धर दबोचा। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की पुलिस ने। माफियाओं पर बड़ा एक्शन, कड़ा प्रहार योगी सरकार का। आज खैरागढ़ सर्किल की पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 5 चंबल ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है, पकड़ा गया है। इस दौरान रात्रि की घटना है, इसमें खनन माफियाओं के द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस के सभी जवान सुरक्षित हैं, जिसमें हमने 5 ट्रॉली पकड़े हैं और जो माफिया भागे हुए हैं उनके लिए अभी भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आगे कार्रवाई भी जारी है। टिंकू सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। टिंकू, एक्शन मोड में लगातार पुलिस, कोई भी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़ा दबंग हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे एक्शन को लेकर जरा जानकारी दें। जी पूजा जी, आपको बता दें, आगरा पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कड़े एक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें, खैरागढ़ सर्किल एसीपी महेश कुमार ने बताया कि जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें कई थाने की सर्किल पुलिस थी, वहीं पुलिस ने बताया कि खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस ने खनन माफियाओं को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन खनन माफियाओं की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव को देखते पुलिस ने कार्रवाई की और 5 खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से पकड़ लिए। वहीं खनन माफिया जंगल का सहारा लेकर मौके से फरार हो गए। जी योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो कोई भी माफिया हो, खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जहां भी गड़बड़ी होगी, जहां भी दबंगई दिखाई जाएगी, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें, आगरा पुलिस लगातार खनन माफियाओं के साथ साथ दबंग जो लगातार अवैध अतिक्रमण पर कब्जा कर बैठे हैं, उन पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि सरकार के आदेश अनुसार जो भी माफिया गलत काम करेगा उसके प्रति लगातार सरकार अभियान चला रही है, जिसके तहत खनन माफिया हो या भू माफिया हो, जिन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है और कई माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। जी शुक्रिया आपका टिंकू, इस खबर पर जानकारी देने के।